हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन में आप देखोगे कि दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। नंबर वन दैट इज सॉल्यूट, और नंबर टू क्या मिलता है भाई हमें, सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है क्या आपका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सॉल्यूट वो होता है जो आपका लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट वो होता है जो आपका ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो बाय मास। ठीक है, वो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन फिर भी एक बात आती है, और वो बात क्या है, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। आपने ऐसे सॉल्यूशंस के नाम सुने होंगे जिसके अंदर सॉलिड मतलब हम डालते हैं, लिक्विड टाइप सॉल्यूशन है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास है 100 ग्राम शुगर सिरप है। ठीक है, 100 ग्राम शुगर की सिरप है मेरे पास। तो ये क्या होता है, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको कि 60 ग्राम तो आपको शुगर मिलेगी और 40 ग्राम आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसा कि मैंने कहा आपको कि अगर जो ज़्यादा अमाउंट में होता है बाई मास तो वो सॉल्वेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे शुगर हमारी सॉल्यूट है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसकी फिजिकल स्टेट बिल्कुल सेम होती है सॉल्यूशन की तरह। मतलब कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वही आपकी सॉल्वेंट की भी स्टेट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप शुगर सिरप का सॉल्यूशन लोगे तो आप क्या देखोगे कि सॉल्यूशन आपका लिक्विड है, और सॉल्यूशन लिक्विड है तो इन दोनों चीज़ों में लिक्विड कौन है, ऑब्वियसली वाटर लिक्विड है, देयर फॉर दिस इज सॉल्वेंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी कंसनट्रेशन टर्म्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है मोलैरिटी। ठीक है, देखो मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखा जाता है, और इसका जो फॉर्मूला है वही इसकी डेफिनेशन है। फॉर्मूला क्या कहता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। देखो बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैं सबस्क्रिप्ट ए यूज़ करूँगा फॉर सॉल्वेंट के लिए, यानी कि किसी भी टर्म के नीचे अगर आपको ए लिखा दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि वो सॉल्वेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और अगर मैंने उसके नीचे बी लिख दिया तो इसका मतलब मैं सॉल्यूट के लिए बात कर रहा हूँ, और अगर मैंने उसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब मैं वो सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि मोलैरिटी क्या होती है, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से छोटा सा कन्वर्जन, अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर दूंगा इन लीटर, मतलब वॉल्यूम इधर चली जाएगी। अच्छा, आप देखो यहाँ पे मिली मोल्स भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो। तो मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कैसे निकाल सकते हो भाई, अगर आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम लीटर की बजाय मिली लीटर में दी होती, तो अगर मिली लीटर में मिलती तो आपको क्या मिल जाते, मिली मोल्स मिल जाते। देखो मिली मोल्स का मतलब होता है 10^-3, और आप जानते हो कि वॉल्यूम जो है अगर आपको इसको अपॉन में 1000 कर दोगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वही बात है, मिली मोल्स भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा देखो मोलैरिटी के फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। अच्छा, नीचे क्या था भाई, एक वॉल्यूम भी था सॉल्यूशन का, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मोलैरिटी को। इसके अलावा मोलैरिटी का फाइनल फॉर्म मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर मान लो आपको वॉल्यूम किस में दे रखी है, वॉल्यूम आपको दे रखी है मिली लीटर में, तो वॉल्यूम यदि मिली लीटर में दे रखी है तो आप अपॉन 1000 कर दोगे जो ऊपर चला जाएगा, और ये आपका अल्टीमेट फॉर्मूला यहाँ पे आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आसान सा फॉर्मूला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है, और एक न्यूमेरिकल
क्या कहता है, कहता है कि आपके पास 0.62 × 10^20 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इतने आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं किसके, यूरिया के हैं, और आप इसको डिसॉल्व कर देते हो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर आप इसे डिसॉल्व कर देते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपसे सिंपल सा सवाल पूछा कि आप इसकी मोलैरिटी निकाल कर बता दो। तो मोलैरिटी हमसे पूछा है, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और वॉट एवर आपको वॉल्यूम दे रखी है सॉल्यूशन की, तो बताओ। देखो बच्चों, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, मोलैरिटी का फॉर्मूला बखूबी जानते हैं कि मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन लीटर। अब यहाँ पे मिलीलीटर में है तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे इनटू 1000 कर दोगे, ठीक है। लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालूं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो आप एक फॉर्मूला आपने जाना होगा मोल्स के कॉन्सेप्ट में, एन बाई एन ए। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एन ए क्या होता है, अवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमें गीवन है कितनी, 6.02 × 10^20, और आपको अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी पता होती है, दैट इज 10^23, ठीक है। तो ये कितने मोल्स आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पे 10^-3 मोल्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बस फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे, मोलैरिटी आ जाएगी आपके पास, भाई मोल्स कितने, इतने भाई इंटू में 1000 था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 100। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आपका आंसर आ गया 0.01 मोलैरिटी। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं भाई, मेरे पास एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा टिपिकल भाई। इन्होंने ये कहा कि नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। मेरे से नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं और मेरे को दे रखी है 100 ml वॉल्यूम दे रखी है, 0.1 मोलैरिटी दे रखी है, किसकी, एक कंपाउंड है जिसका नाम है Na2C2O4। ये मेरे पास एक कंपाउंड दे रखा है, इसकी वॉल्यूम मोलैरिटी दे रखी है और मुझसे आयंस पूछे हैं। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखो आयंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले काम आप ये करो कि आप इसके ना आयंस बनाकर देख लो, मतलब इसको तोड़ कर देख लो। तो तोड़ कर कैसे देखेंगे भाई, देखो आपके पास फॉर्मूला है Na2C2O4, जब आप इसको तोड़ दोगे तो ये किस में टूटेगा, 2Na+C2O4 2-, एम आई राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आप सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेंगे भाई, मोलैरिटी में इंटू में वॉल्यूम। तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.1 दे रखी है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 100 ml दे रखी है। बच्चों 100 ml दे रखी है तो मिली मोल्स निकलेंगे, आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो अपॉन क्या कर दोगे, 1000 कर दोगे। तो यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्यूशन आ जाता है मेरे पास 10^-2 मोल। इतने मोल आ गए मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आपने क्या देखा, आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। तो इस रिएक्शन में आपको देखोगे कि देखो ये 2 मोल हैं यहाँ पे, इसके इसका स्टोचियोमेट्री 1 है तो यहाँ पे 1 मोल है, तो नेट मोल कितने हो गए, 3 भाई। ये 1 मोल Na2C2O4 आपको देता है 3 मोल ऑफ आयन देता है, देख रहे हो ना, 2 मोल ये रहे 1 मोल ये रहा, तो 3 मोल ऑफ आयन देता है। 1 मोल कितना देता है, अभी यहाँ पे लिखते हैं भाई, 1 मोल देता है आपको 3 मोल ऑफ आयन, राइट। ओके जी, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, सॉरी टोटल मोल्स ऑफ आयन कितने हो गए, टोटल मोल्स ऑफ आयन। तो हमारे पास देखो कितने आयन थे, 10^-2, मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि 10^-2 कितने देंगे, एक 3 देता है तो इतने कितने देंगे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 10^-2 इंटू में 3 कर दूंगा, भाई इतने मोल्स ऑफ आयन आ जाएंगे मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ आयन्स निकालने हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पता है, एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन ए। तो यहाँ पे मेरे को बच्चे ये वाली संख्या निकालनी है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस एम्प्लाइज एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू में अवोगैड्रो नंबर, सही बात है, इस फॉर्मूले में ये इधर चला गया। अच्छा अब देखो एन की वैल्यू अभी अभी ऊपर आपने निकाली, ये क्या है, एन की वैल्यू ही तो है,
दैट इज 3 × 10⁻²। अच्छा, अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 × 10⁻²³। एम आई राइट? आप जस्ट इसे सॉल्व कर लो, ये आपके क्या आ गए, नंबर ऑफ आयंस आ गए। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 18.066 × 10⁻²₁ आयंस। कितने आपके पास क्या आ जाएंगे बच्चे, आयंस आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोलैरिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म आती है, दैट इज नॉर्मेलिटी। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है जिसको क्या कहते हैं हम, नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो देखो बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी की। भाई नॉर्मेलिटी क्या होती है, दैट इज नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से लिखते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। एम आई राइट? अब देखो अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करोगे तो कैसे निकलेगा, भाई मैं इसको एन बी से लिख लेता हूँ, ठीक है, समझ जाना, एन बी से लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, नॉर्मेलिटी इंटो में वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में, लीटर में। अभी यहाँ पे मिलीग्राम इक्विवेलेंट भी आप निकाल सकते हो अगर आपको मिलीलीटर में वैल्यू दी होती तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब अच्छा यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, और वो छोटी सी चीज़ क्या है ज़रा ध्यान से देखो, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको या तो आप ऐसे कर सकते हो, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम आपको गिवन है तो, या फिर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट को, दैट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, तो सॉल्यूट के लिए मैं बी लिख देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा से समझ में आए। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट को मैं ई बी से लिख देता हूँ, ई बी से। ठीक है, तो ये मेरा पास एक फॉर्मूला हो गया छोटा सा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। अब अच्छे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे हम देखो कैसे। भाई हमारे पास होगा मोल्स, ठीक है, मोल्स के लिए मैं लिखूंगा वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इन टू में एन फैक्टर। ठीक है, तो एन फैक्टर होता है बी सॉल्यूट का, एन फैक्टर की वैल्यू हम देखो आगे हम कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एन एफ बी लिख दिया। तो ये क्या है, ये तो मोल्स है, तो यानी कि इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मेरा क्या बना, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मेरा बनता है एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन टू में एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट, एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से करके आप क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास नेट जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये लिख दिया मैंने, इन टू में एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन लीटर। ये आपके पास क्या हो गया, एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी का। अब अच्छा यहाँ पे लीटर में वैल्यू है, अगर मिली लीटर में होती तो ऊपर 1000 हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने दो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आ जाती है, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशनशिप है, अभी देखो नॉर्मेलिटी का आपने फॉर्मूला लिखा, दैट इज डब्ल्यू बी बाय एम बी इन टू में एन फैक्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन लीटर। और मोलैरिटी का भी फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज द डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इन टू में वॉल्यूम इन लीटर। तो फर्क देखो क्या है, फर्क सिर्फ एक एन फैक्टर का है और बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप देख सकते हो। देखो इसको, इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलैरिटी लिख सकता हूँ ना, तो नॉर्मेलिटी आपका आ गया मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर। ठीक है, मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर, देखो एन फैक्टर को बैलेंस फैक्टर बोल लो, ठीक है, को एन फैक्टर होता है।
निकालना हम सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए रिलेशनशिप है नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के। ठीक है, अब एक नोमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कि 1 लीटर N/2 सॉल्यूशन है आपके पास HCl का, ठीक है, और इस सॉल्यूशन को आपने हीट किया, क्या किया आपने इसको हीट किया किसी बीकर के अंदर, और फिर कहता है कि बीकर के अंदर जब आपने इसे हीट किया तो जो इसकी वॉल्यूम थी वो 600 ml रिड्यूस हो गई। ठीक है, इतनी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, 3.25 ग्राम HCl बाहर निकल गया, गिवन आउट। तो कहता है कि नई नॉर्मेलिटी निकालो, न्यू नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करके मुझे बताओ, ये सवाल है। सवाल समझ में आ गया होगा भाई, 1 लीटर थी आपके पास, 1 लीटर वॉल्यूम दे रखी थी और सॉल्यूशन दे रखा था HCl का, जब आपने उसे हीट किया तो वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है 600 ml कम हो गई और इतना HCl भी कम हो गया, तो कम होने के बाद नॉर्मेलिटी कितनी भाई, पहले तो दे रखी N/2, बाद में कितनी हुई, ये सवाल। ठीक है, तो चलिए सवाल करते हैं भाई। मेरे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट एन फैक्टर ऑफ द सॉल्यूट इनटू में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लीटर, एम आई राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको आपको देखो नॉर्मेलिटी आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ये भी गिवन है, और एन फैक्टर आप निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम आपको गिवन है, आपको गिवन क्या नहीं है, दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ से हम वेट ऑफ द सॉल्यूट निकाल लेंगे, जो क्या आएगा, नॉर्मेलिटी इंटू में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू में वॉल्यूम ऑफ द लीटर डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। सही बात है, आगे चलते हैं। अब देखो नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, N/2, N/2 का मतलब है 1/2, दैट इज 0.5, ठीक है, इंटू में मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना होता है भाई, 36.5 होता है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम 1 लीटर दे रखी है, तो लीटर में ही काम चल रहा है, तो लीटर लिख दिया, 1 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। देखो HCl एक एसिड है, और एच एसिड एच पॉजिटिव कितने रिप्लेस कर सकता है भाई, एक रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, एन फैक्टर का कंसेप्ट हम और आगे अच्छे से सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये याद रखो कि HCl एक एसिड है और यहाँ से एच पॉजिटिव निकल सकता है, एक एच पॉजिटिव, तो एक एच पॉजिटिव ये दे सकता है, देयर फॉर इसका जो एन फैक्टर है वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो एन फैक्टर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 1 लिखने के बाद अब मेरे को यहाँ से वेट मिल गया कितना, 18.25 ग्राम, इतना मेरे पास पहले क्या था, वेट था। अब फिर देखो HCl लेफ्ट भाई, हीट करने के बाद HCl कितना बचा होगा, तो आप देखो पहले कितना था, 18.25, 18.25 था, माइनस कितना निकल गया था भाई, 3.25 निकल गया था, तो इतना अगर निकल जाएगा तो 15 ग्राम आपका बाद में वेट क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। आगे चलते हैं, अब हम क्या निकालेंगे, नई नॉर्मेलिटी निकालेंगे, यानी कि नॉर्मेलिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन, तो मैं एन डैश से लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या भाई, गिवन वेट कितना, 15 ग्राम बचा डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नॉर्मेलिटी वो एन फैक्टर तो 1 ही रहता है, और यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो 600 ml रिड्यूस होके, 600 ml मतलब 600 ml बच गई थी, ठीक है, 600 ml बच गई, तो आप उसको मिलीलीटर में, सॉरी लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज 0.6, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0.685 नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखो इसके बाद हम बातें करेंगे, दैट इज केसेस ऑन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के कुछ केसेस की बात करेंगे। अब ध्यान से देखते चलो भाई, मैंने कहा सबसे पहला जो मेरा केस है, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट लिख लेते हैं, केस फर्स्ट जो है मेरा वो ये कहता है कि डाइल्यूशन का केस है, और आप क्या कर रहे हो, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को आप ऐड किए जा रहे,
तो ऐड सॉल्वेंट को अगर ज़्यादा मिलाओगे मात्रा में तो डाइल्यूट हो जाएगा सॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, तो डाइल्यूशन का केस चल रहा है। देखो डाइल्यूशन के केस में जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, ठीक है, हम फॉर्मूले से बात कर लेते हैं सीधी, जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो आपका रिमेन्स अनचेंज, यानी कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख लेंगे, मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम बराबर मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम, यानी कि एम वन वी वन बराबर एम टू वी टू। तो ये बिफोर डाइल्यूशन है और ये आफ्टर डाइल्यूशन है, तो ठीक है ये बिफोर और ये आफ्टर डाइल्यूशन है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोल्स अगर सेम रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट जो है सॉल्यूशन का वो भी रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है एन वन वी वन बराबर एन टू वी टू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा तीसरी चीज़ आती है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो क्या होगा इंक्रीज होगा, तो मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी क्या होगी सॉल्यूशन के साथ, सॉरी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होती चलेगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है और आप जानते हैं मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों क्या होंगी डिक्रीज होंगी, तो याद रहे ये बात। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। भाई क्वेश्चन आता है मेरे पास कि 100 ml वॉल्यूम दे रखी है N/8 HCl का, ठीक है, और इसको डाइल्यूट किया गया और डाइल्यूट करके N/12 HCl बनाया गया। तो कहता है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करो आप जो वाटर ऐड किया है इसके अंदर उसका, ठीक है, वॉल्यूम ऐड वॉल्यूम पता करो। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई, हम एक फॉर्मूला देखो नॉर्मेलिटी में बात दे रखी है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे N1V1 बराबर N2V2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो भाई नॉर्मेलिटी फर्स्ट दे रखी है 1/8, वॉल्यूम कितनी दे रखी है भाई 100 ml, तो 100 ml मैंने लिख दिया। भाई N2 कितना दे रखा है 1/12, ठीक है, और वॉल्यूम V2 कितनी दे रखी है, देखो बच्चे जो वॉल्यूम थी वो ऐड करी है ना मैंने, तो पहले 100 ml तो थी और उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि प्लस एक्स ऐड कर दिया होगा। तो यहाँ से फाइनली आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 400 / 8 इज इक्वल टू 50 ml। तो यहाँ पे आपने 50 ml एक्स्ट्रा पानी ऐड किया होगा डाइल्यूशन करने के लिए और N/12 HCl बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान से सवाल था, आपको ये याद रख लेना चाहिए। आगे चलते हैं भाई, अब हम बात करेंगे केस टू की, ठीक है, और केस टू है मेरे पास मिक्सिंग का, और ये वो मिक्सिंग है जब आपकी कोई रिएक्शन ना हो, नो रिएक्शन अकर, ठीक है। तो देखो जब कोई रिएक्शन नहीं होती है तो जो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट का वो बराबर होता है सम ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यानी कि सॉरी जो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूशन का वो बराबर होगा सम ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ये मैं क्या बोला हूँ थोड़ा फॉर्मूले से समझो, मैंने ये कहा कि देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन का जो वो है टोटल, तो वो कितना होगा भाई NrVr। देखो R का मतलब है यहाँ पे समझ लो, R का मतलब क्या है, यूज़ किया मैंने सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो सम ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे N1V1 + N2V2, राइट। अब यहाँ से आप NR की वैल्यू निकाल सकते हो जो कितनी आ जाएगी N1V1 + N2V2 / Vr, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, सिमिलरली आप मोलैरिटी के लिए भी लिख सकते हो MR इज इक्वल टू M1V1 + M2V2 / Vr। तो ये आपका क्या हो गया मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल कहता है कि मान लो HCl है आपके पास 5 ml, 5 ml दे रखा है, 1 नॉर्मेलिटी दे रखी है, अच्छा दूसरी चीज़ आपको दे रखी है H2SO4 जो दे रखा है 200 ml और नॉर्मेलिटी N/2 दे रखी है,
तीसरा आपके पास दे रखा है HNO3, जो कितना दे रखा है 30 ml दे रखा है, नॉर्मेलिटी scan/3 दे रखी है, और कहता है कि इन सबको मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम इज मेड, इसकी जो वॉल्यूम बनती है वो 100 ml बनती है। तो आप मेरे को NR निकाल कर बताओ, यानी कि रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकाल कर बताओ। ठीक है, तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी अभी निकाल देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। NR का फॉर्मूला क्या होता है, N1V1 प्लस N2V2। अब देखो यहाँ पे तीन कंपाउंड दे रखे, तो तीसरी भी आ जाएगी भाई, N3V3 डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट वॉल्यूम, जो कितनी दे रखी है 100। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं भाई। N1 कितना दे रखा है 1, V1 5 प्लस 1/2 × 20 प्लस 1/3 × 30 डिवाइडेड बाय द नेट वॉल्यूम कितनी दे रखी है 100 दे रखी है। सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा N/4। ठीक है, ये N/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास नेट रिजल्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। 30 ml आपके पास, 30 ml वॉल्यूम है, 0.12 मोलैरिटी है NaCl की। ठीक है, और इसके अंदर, इस NaCl के अंदर आपने मिक्स किया 70 ml वॉल्यूम है, 0.15 मोलैरिटी है, किसको ऐड किया, Na2SO4 को ऐड किया। ठीक है, तो ये कहता है कि इतना मतलब आपने इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आप कंसंट्रेशन ऑफ एन ए पॉजिटिव बताओ कि कितनी होगी। ठीक है, तो एन ए पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको बताने का है, तो चलिए बता देते हैं भाई। देखो एन ए सी एल जो है वो टूटेगा किस में, एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव में, और Na2SO4 किस में टूटेगा भाई, 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालो तो कैसे निकालोगे, दैट इज M1V1 प्लस M2V2 मोलैरिटी में बात दे रखी, और वॉल्यूम का मतलब अगर नेट वॉल्यूम आपको नहीं दे रखी हो तो V1 प्लस V2 कर लोगे आप। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो मोलैरिटी क्या दे रखी है, फर्स्ट वाली 0.212 इंटू में वॉल्यूम 30 प्लस मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.15। अब मोलैरिटी देखो, जो सेकंड वाली मोलैरिटी उसमें Na कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है भाई 70 डिवाइडेड बाय नेट वॉल्यूम, तो 30 प्लस 70। सो आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 0.246 मोलैरिटी। ये आपका क्या आ जाएगा, नेट रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो सेकंड के लिए मोलैरिटी निकालोगे उसमें देखो Na की कंसंट्रेशन कितनी है, Na की कंसंट्रेशन 0.15 × में आप 2 लिखोगे। ठीक है, तो घबराने का नहीं, अच्छे से ध्यान से सोच के करने का है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक लास्ट केस, दैट इज केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड हमें कहता है ये वापस से मिक्सिंग का केस है, और इस मिक्सिंग के केस में जब रिएक्शन आपकी टेक्स प्लेस, ठीक है, जब रिएक्शन आपकी होगी तब क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पे लगता है हमारे पास एक लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर हम इसे कह सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट या वैलेंस कह लो। ठीक है, तो ये एक लॉ लगता है, और इस लॉ के हिसाब से क्या, इस लॉ का मतलब क्या, ये कहता है कि इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे रिएक्टेंट के, वो रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद वो देंगे आपको इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि जितने रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट के होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे। कैसे, वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। एक एग्जाम्पल ले लो, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एक नॉर्मल से, ऐसे जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक्स ए प्लस वाई बी फॉर्म्स एम सी प्लस एन डी। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन लिख दी। अब ये मेरा रिएक्टेंट है ए। ठीक है, तो ए रिएक्टेंट के जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट बी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट सी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट डी बराबर, यानी कि सब के सब ना बराबर रहेंगे।
एक बात समझ में आ गई, यानी कि आप इससे ये निकाल सकते हो, इससे ये निकाल सकते हो, इससे ये निकाल सकते हो, और कुछ भी निकाल सकते हो भैया।